हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज जेई लाइव डेली, दिस इज अनअकैडमी जेई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। आपकी लाइफ में फ्रिक्शन कभी ना रहे और यही दुआ है। एंड आज हम फ्रिक्शन को कुछ ऐसे विजुअलाइज करेंगे जैसे आपने कभी नहीं किया है। तो बच्चों, अगेन डू शेयर दिस राइट नाउ विद द हैशटैग जेई लाइव डेली। माय नेम इज नमो कौल, आई हैव क्लोज टू 9.5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव टॉट एंड मेंटर्ड 50,000+ स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, लाखों बच्चे ऑन यूट्यूब। I have also been certified by the Indian Association of Physics Teachers, and recently, bachon, something that changed my life was that I was awarded for the best teaching and pedagogy at the National Teachers Conclave, which was held in Bangalore. This is our amazing team out here, the best educators for Unacademy at JEE. अब देखो, ये JEE के top educators क्यों हैं? Jayan sir, who himself is a dream ranker, उनकी rank 161 आई थी। ये जहाँ भी रहे हैं, उन्होंने कितने सारे बच्चों को IIT Bombay, सारे top IITs में single digit ranks के साथ भेजा है इन सारे teachers ने। पारस सर, हु जिनको आप प्यार से गॉड ऑफ केमिस्ट्री बोलते हो, केमिस्ट्री के शानदार टीचर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में भी इनका योगदान रहा है। माई सेल्फ नमो कौल, आई एम नॉट हियर बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ टीचर। आई डिस्कवर्ड दैट वेन बिकॉज ऑब्वियसली आई लव द सब्जेक्ट फिजिक्स, और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैं समझ गया था कि इट इज़ वेरी कीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की थी बच्चों, एंड व्हेन आई डिड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने टॉप कंपनीज में काम किया था। आई वॉज ऑल्सो एन एडटेक पेटेंट होल्डर इन माई अर्ली 20s, बट द रीजन आई केम हियर इज बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट एंड द लव फॉर दिस सब्जेक्ट फिजिक्स, एंड आई हैव टू ट्रांसमिट दैट। समीर सर आर टीचर ऑफ टीचर्स, जहाँ भी रहे हैं ऑब्वियसली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, एंड अगेन ही हैज़ बीन कोचिंग जेई एस्पायरिंग टीचर्स। ये टीचर ऑफ टीचर्स इसलिए कहलाते हैं, ये आपको मैच पढ़ाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। 10,000 बच्चे हो चुके हैं टेलीग्राम ऐप पे। अगर आप अभी तक हमारी टीम के साथ नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे, तो अभी के अभी अपना फ़ोन निकालो, उस पर ये इंस्टॉल करो। फ़ोन पे जब टेलीग्राम आ जाए तो गूगल क्रोम पे जाओ, दैट इज़ अ ब्राउज़र। ब्राउजर पे ये टाइप करो tinyurl.com/jeelivechat, आप एंटर हो जाओगे इस ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, 400 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं। लेट्स एम फॉर 700 लाइक्स बिफोर दिस अमेजिंग क्लास एंड्स। ओके, और अभी की अभी शेयर का बटन दबाओ बच्चों। अगेन, दिस इज फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, दिस इज क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अभी फैला दो, आग की तरह फैला दो, मोहल्ले में हल्ला कर दो। एक ऐसा सेशन आपको देने जा रहा हूं मैं, जो अगेन आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, और अगर आपने सोचा भी होगा तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी, क्योंकि ऐसा विजुअलाइजेशन हम करने वाले हैं। एज आई कीप सेइंग, फिजिक्स स्केल विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ। अगेन, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं आए हो तो अभी के अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन है। अगेन, हमारी पूरी टीम लाइव इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती है, और ये इंडिया का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है। फन फैक्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लर्नर्स एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजुकेटर्स आर ऑन अनअकैडमी प्लस। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, खाली यही नहीं, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी, बॉम्बे, दिल्ली के बेस्ट टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं, और सबसे ज्यादा लर्नर्स भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम 250,000 फैमिली हो गए हैं। अगेन, इन 2.5 months वी आर 2.5 lakhs ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, और उसमें से मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि 2,800 बच्चे ऑलरेडी प्लस पे आ चुके हैं, और 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए हमने 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट कर दिया है, 2 ईयर का, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स। आपने बोला था कि आपको 2 साल का चाहिए था, और 2 साल का मेरी प्रॉमिस की वजह से यहां पे आपके सामने है। अगेन, यहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मेरे सिग्नेचर कोर्सेज हैं, एंड अगेन वी हैव 11th के बैचेस, 12th के बैचेस, अगर आपका कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग होगी। अगेन, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी, वी हैव कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी, तो जो आपको फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हैं प्लस पे, बट अगेन ये पूरा संपूर्ण होगा और ये मेरा वादा है। आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो हमेशा नंबर 1 पे रहती है ट्रेंडिंग में, आप देख सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को पहले इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद प्लस, यहाँ पे एक प्लस का सेक्शन होता है, प्लस पे जाइए, IIT JEE को सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। अभी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया 24 months का, 24 months में आपको 1 महीने की कॉस्ट, बच्चों दिस इज फॉर 11th स्टैंडर्ड, अगर आप 12th और ड्रॉपर हो तो आप 12 months का सेलेक्ट करना, और अगर आपने ये कोड यूज किया JEE लाइव तो 10% आपका ऑफ भी हो जाएगा। ये हमारी टीम का स्पेशल कोड है फॉर JEE लाइव डेली। अगेन, डेफिनेटली अगर आप अभी तक नहीं आए तो अभी आ जाइए, अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर 1 ऑफ फ्रिक्शन। एंड बच्चों, अगेन टुडे विल बी लेजेंडरी, टुडे विल बी हिस्टोरिक, बिकॉज फ्रिक्शन को हम कुछ ऐसे देखेंगे जैसे कभी नहीं देखा, तो शेयर करना जरूर भूलना मत। 500 बच्चे ऑलरेडी लाइव आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सो एवरीवन, फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन ये होता है, इंटरलॉकिंग।
अब देखो, अगर दो चीज़ें बहुत स्मूद हैं, अगर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूद हैं, तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा ही नहीं. अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो अब सुनो मेरी बात. अब ये डब्बा मैं यहाँ पे ला रहा हूँ. अब ये देखो, यहाँ पे आवाज़ आ रही है, ये फ्रिक्शन है. आवाज़ आ रही है सबको, खच 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 खच, ये फ्रिक्शन की वजह से आ रही है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती. अगेन ध्यान से देखो, ये इंटरलॉकिंग्स एक दूसरे के साथ रब हो रही हैं, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो ये क्या है? ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है बच्चों. ओके, तो आप देख सकते हो, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अगर माइक्रोस्कोप पे दो सर्फेसिस को देखोगे, चाहे कितनी स्मूथ हो सर्फेसिस, बट आपको ये दिखेगा. ओके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको ये दिखेगा कि इंटरलॉकिंग होती है. अब आप आगे क्यों बढ़ सकते हो? अगर ये, मैंने आपको बताया था ना, अगर ये परफेक्टली स्मूथ होता, तो आप ध्यान से देखो, ये आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते. अगर स्मूथ होता तो आप आगे क्यों बढ़ते हो? देखो, इंटरलॉकिंग हुई, इंटरलॉकिंग हुई, आगे बढ़े, इंटरलॉकिंग हुई, समझो. ये फ्लोर पे आपकी इंटरलॉकिंग होगी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है. अब ध्यान से देखो, इंटरलॉकिंग क्या होती है? इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग, कि ऐसे रगड़ता है, ये एक सरफेस है, दूसरी सरफेस है, दिख रहा है, इंटरलॉक हो गए दोनों एक दूसरे से. ओके, इंटरलॉक हो गए दूसरे से, दिस इज नोन एज इंटरलॉकिंग. एवरी सरफेस हैज इरेगुलरिटीज, दैट इज प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस. अब जैसे ये डिप्रेशन है, ये प्रोजेक्शन है, ये जो दांत निकल रहा है, ये प्रोजेक्शन है. प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशंस की वजह से ये इंटरलॉक हो जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग की वजह से भी फ्रिक्शन होता है. दीज इंटरलॉकिंग्स बिटवीन दीज इरेगुलरिटीज गिव्स राइज टू फ्रिक्शन. ओके, अब देखो, वेन द सर्फेस इज स्मूद, अगर ज्यादा स्मूद हो जाएगी तो रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है. अब एक और चीज होती है, कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है भाई? अब कोल्ड वेल्डिंग समझो यहाँ पे है. अब देखो, जब आपकी अलमारी आपने कभी देखी है? अलमारी या फ्रिज या बहुत सारी चीजें, यार फ्रिज मैग्नेट होता है, वो चिपक जाता है, बिल्कुल चिपक ही जाता है, कोई बॉन्ड्स बन जाते हैं. अब देखो, अगर मैंने किसी चीज को बहुत देर के लिए रख दिया, जैसे अब एक ग्लास को रख दिया है ना, और ग्लास नीचे से गीला था, उसमें कुछ लाइक मिल्क टाइप था, तो वो चिपक जाता है, उसमें कुछ वेल्डिंग हो जाती है, समझ रहे हो? वेल्डिंग इज द राइट वर्ड, मतलब बॉन्ड बन जाते हैं. अब ये देखो, चिपक ही गए, मतलब ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ, मैं उठा तो सकता हूं, अब किसी चीज को मैं ऐसे उठा दूं, बट उठ नहीं रहा, क्योंकि बॉन्ड बन गए भाई, बॉन्ड. तो ये ज्यादा स्ट्रांग होती है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन होता है. ये भी एक तरीका, ये भी फ्रिक्शन. देखो, व्हेन टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगेन एकदम से नहीं होती है, देन फ्यू पॉइंट्स टच ईच अदर, कुछ पॉइंट्स एक दूसरे को टच करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड्स बन जाते हैं, कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं, समझ में आ रहा है? नाउ अगेन एवरीवन नोज, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स बन जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वान डर वाल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब बन जाते होंगे यार, बस समझ जाओ. ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये दोनों के बॉन्ड्स बन गए. ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि यार बॉन्ड्स बन गए, तो एक बार आपने अलमारी को एक बार हल्का सा हिला दिया ना, तो मूव हो जाती है, बॉन्ड्स टूट गए, देन द बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो अगेन इस सब को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, अब ध्यान से सुनो, व्हेन टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, दिस लीड्स टू हाई प्रेशर. अगेन हाई, ये बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर है, मैंने अलमारी रख दी नीचे, उसके पैरों पे हाई प्रेशर होगा. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोल्ड वेल्डिंग, इसीलिए कभी कभी निशान भी छोड़ देता है नीचे, है ना, द बॉन्ड्स. इसीलिए कभी कभी होता है ना कि निशान रह जाता है नीचे, टाइल पे निशान रह जाता है उसके पैर का, रबर के, क्योंकि वो बॉन्ड्स बन गए थे, थोड़ा सा रबर वहीं पर रह गया. अब देखो, बॉन्ड्स फॉर्म्ड एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ड्यू टू हाई प्रेशर अपोज रिलेटिव मोशन, ऐसे रिलेटिव मोशन नहीं कर पाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली, है ना. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? मतलब ये बेसिकली आपकी थ्योरी है, बट अब देखो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है एज अ फोर्स, है ना. तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, हर एक सरफेस का एक म्यू होता है, म्यू इज द, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट. अब यहां पे मेरा एक ब्लॉक भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत इंटरलॉकिंग है इनके बीच में, है ना, ये एम है. तो यार अगर ये मेरा मास यहां पे पड़ा है और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन दोनों के बीच का म्यू है, तो अब बच्चों ध्यान से बताओ, फ्रिक्शन ज्यादा कब लगेगा? अब ध्यान से समझना, फ्रिक्शन ज्यादा कब लगेगा? अब अगर मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, तो ये इंटरलॉकिंग जो हो रही है इनके बीच में, ध्यान से देखो, जो इंटरलॉकिंग हो रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना. देखो यहां पे ध्यान से देखो, इसको मैं आगे मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? फ्रिक्शन बोलेगा मैं पीछे लग रहा हूं, ठीक है, तुमने फोर्स लगाया कैपिटल एफ. ओके, फ्रिक्शन को मैं हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करूंगा, छोटा एफ इज फ्रिक्शन, ठीक है, और ये अपोज करता है, तुम ऐसे पुल कर रहे हो, फ्रिक्शन बोल रहा है इंटरलॉकिंग की वजह से मैं ऐसे लगूंगा, इंटरलॉकिंग है ना, ये अपोज करेगी, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है. अब फ्रिक्शन, इसका थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जमीन पे, धरती पे भी फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है? धरती पे भी फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, समझ में आ गया? जमीन पे भी ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है.
अब यार समझो इस चीज को कि अगर मैंने इसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया, ध्यान से समझो, अगर मैंने इसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया, अब देखो ये 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 यहाँ पे पड़ा हुआ है मास, अब अगर मैंने इसका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना, ज्यादा इंटरलॉकिंग हो गई, समझ रहे हो, ज्यादा इंटरलॉकिंग। अब नॉर्मल क्या है, एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल, अब मैंने एक्स्ट्रा 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, नॉर्मल क्या हो गया, एम जी प्लस 10, एम जी प्लस 10 हो गया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, एम जी प्लस 10 का मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया 10 से, क्योंकि मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो इंटरलॉकिंग ज्यादा टाइट हो गई। ओके, तो बेसिकली डिपेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा हिल गया है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन म्यू, जितना ज्यादा म्यू, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस, इट्स अ कॉन्स्टेंट, समझ में आ गया, हर सर्फेस के लिए आपको गिवन होगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 629 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, वी आर एमिंग फॉर 700 लाइक्स, आई थिंक हमें टारगेट इंक्रीज कर देना चाहिए, 1000 लाइक्स बिफोर द सेशन एंड्स, चलो देखते हैं, 400 ऑलरेडी हो चुके हैं, अगेन दिस रियली एनकरेजेस आवर टीम बच्चों, दिस रियली रियली एनकरेजेस आवर टीम। अब यहां पे देखो एवरीवन, किलर विजुअलाइजेशन, एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन शिफ्ट फ्रॉम स्टैटिक टू काइनेटिक। अब यार सर आपने बताया नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अब हम ये सारी चीजें ऐसे विजुअलाइज करेंगे जैसे कभी नहीं हुआ। अब समझो इस चीज को, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोल्ड वेल्डिंग सब, इसके बॉन्ड्स बने हुए हैं, सब कुछ है ना, अभी चलने तो फिर से स्टार्ट होगा, है ना, तो क्या होता है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, अब देखो ये फोर्स बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन भी लगे जा रहा है, बढ़ा रहा हूं, तो फ्रिक्शन भी बोल रहा है कि मैं लगूंगा, उसके बाद बॉन्ड्स टूट गए तो फ्रिक्शन कम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनना, इस पूरी कहानी को ब्लैक स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करते हैं, एवरीवन प्लीज सी, इस पूरी कहानी को मैं ब्लैक स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अब ये आपका ब्लॉक है, अरे यार है ना, तो ये आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, अब ये एक होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के, समझो मेरी बात ध्यान से, और यहां पे एक ब्लॉक होता है, जनरली ये बुक्स में भी ऐसे नहीं बताया जाता, तो ध्यान से सुनना, तो यार म्यू एस और म्यू के को भूल जाओ अभी, फॉर द मोमेंट अभी म्यू एस और म्यू के को भूल जाओ, बस इतना से समझो कि अभी इसके बॉन्ड्स बने हुए हैं ना, ये यहां पे सेटल्ड है बिल्कुल, अरे यार रुको फिर से करते हैं, एवरीवन जस्ट होल्ड ऑन, है ना, चला गया वो, है ना, तो अब क्या करूंगा मैं, एवरीवन प्लीज सी, तो यहां पे ये ब्लॉक है, इस ग्रीन ये येलो से बना देता हूं, ठीक है, ये ब्लॉक है, तो अब क्या हुआ, इस ब्लॉक पे अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, अब मैंने लगाया 10 न्यूटन, है ना, अब मैंने लगाया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, ध्यान से समझो, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, म्यू एन, ओके, अगर यहां पे म्यू है और यहां पे इस सरफेस पे एन लग रहा है, ध्यान से समझो, इस सरफेस पे अगर एन लग रहा है ऐसे और एम जी लग रहा है नीचे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन मैक्सिमम। अब देखो समझो इस चीज को, मेरी बात ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैंने बहुत कम फोर्स लगाया है ना, बहुत कम, अब वैल्यू ले लेते हैं चलो एम को ले लेते हैं, एम इज 10 kg, M is 10 kg, ओके, या 1 kg ले लो, चलो 1 kg ले लेते हैं, 1 kg सिंपल है, 1 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 10, है ना, तो नॉर्मल हो जाएगा 10, ओके, तो mg कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, है ना, 1 × g, 10 newton, नॉर्मल इज 10, और म्यू को ले लेते हैं हाफ, इस म्यू की वैल्यू क्या है, हाफ, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है सर्फेस पे, एफ मैक्स क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, F max कितना लग सकता है, वैल्यू के साथ समझेंगे, म्यू इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन, जो इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो है 10, तो म्यू इंटू 10, तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 हो सकता है, मतलब 0 से 5 के बीच में लग सकता है फ्रिक्शन, उससे ज्यादा लगा दोगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे, आगे बढ़ने लगेगी चीज, समझ रहे हो मेरी बात, तो अब ये बात समझो इस चीज को, तो what happens is कि यार अब तुम क्या क्या लगाते हो, तुम पहले 1 newton लगाते हो, नहीं हिलता, फ्रिक्शन भी लग जाता है 1 newton, तुमने 1 newton लगाया, फ्रिक्शन भी लग गया 1 newton, तुमने लगाया 2 तो फ्रिक्शन भी लग गया 2, फिर तुमने लगाया 3, फ्रिक्शन भी हो गया 3, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, इंटरलॉकिंग है, 5 लगाते ही अब वो टूटने वाला है, मैक्सिमम 5 है, फिर छठा लगाओगे तो ऐसे ही तो होता है कि तुम यार बहुत देर से फ्रिज को मूव करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रिज मूव नहीं हो रहा, अब इसी चीज को विजुलाइज करेंगे बच्चों, किलर विजुलाइजेशन से, अब देखो ये फ्रिज पड़ा है, मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तो पहले बॉन्ड्स भी थे, अब ध्यान से देखो इस चीज को फिर से देखेंगे, लूप में देखेंगे, एवरीवन अब देखना क्या क्या होता है,
एवरीवन प्लीज होल्ड ऑन, पहले मैंने 100 लगाया, 50, 200, फ्रिक्शन भी उतना हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये टूटा, डिड यू ऑल सी दिस, उसके बाद ये टूटा, उसके बाद फ्रिक्शन कम हो गया, पहले फ्रिक्शन आगे तक बढ़ा, फिर फ्रिक्शन कम हुआ, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब समझो, मेरी बात ध्यान से समझना है, इसमें यहां पे देखो, ये मैं पढ़ाते जा रहा हूं, तो ये एवरीवन प्लीज सी, मैं आपको समझाता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन, एक मिनट, ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं फिर से, अब वही केस लेते हैं स्टैटिक और काइनेटिक के साथ, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं वही चीज यहां पर बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना एवरीवन प्लीज फोकस। तो अब यहां पे मैंने वो ब्लॉक रखा, ठीक है, ये ब्लॉक रख दिया मैंने, और ये ब्लॉक है मास m, ओके, ब्लॉक है मास m। अब यहां पे मास दे रखा है 1 kg, ठीक है, म्यू s दे रखा है 1, म्यू k दे रखा है हाफ, ये हमेशा कम होता है, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक कोएफिशिएंट है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, और ये काइनेटिक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब ये नहीं मूव कर रहा तो ये म्यू लोगे तुम, जब ये मूव कर रहा है तो ये म्यू लोगे, समझ रहे हो, फ्रिक्शन यहां पे लगेगा, जब ये स्टैटिक है तो म्यू एस एन लगेगा स्टैटिक में, अगर मूव नहीं कर रहा कुछ भी, जैसे ही मूव करना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर मूव करना स्टार्ट हुआ मतलब बॉन्ड्स टूट गए, बॉन्ड्स टूट गए मतलब कम फ्रिक्शन लगना चाहिए म्यू के हिसाब से, समझ में आ गया। तो अब देखो एफ एस मैक्स निकालो, ये कितना लग सकता है एफ एस मैक्स, तो यार यहां पे अगर ये 1 kg है तो नॉर्मल कितना लगेगा, जल्दी से बताओ, है ना, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा 10, तो नॉर्मल कितना है, नॉर्मल हो गया तुम्हारा 10, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल, ओके। अब एफ एस मैक्स क्या होगा, म्यू एस मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, अब ये क्या होगा म्यू एस एन, म्यू एस क्या है 1 इंटू 10 क्या है 10 न्यूटन, ठीक है, एफ एस मिनिमम क्या होगा, एफ एस सॉरी एफ के मिनिमम सॉरी एफ के मैक्सिमम, अब काइनेटिक, जब अब देखो 10 तक तुम हिला नहीं सकते इस बॉडी को, 10 तक तुम हिला नहीं सकते, तो तुमने बढ़ाया 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी लग गया 1, 2 लगाया, फ्रिक्शन भी लग गया 2, क्योंकि 10 को क्रॉस करना है, ओके, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 10 तक बढ़ाते जा रहे हो, तो जब तुमने, जैसे ही तुमने 10 न्यूटन लगाया, 10.01 बॉन्ड्स टूट गए, बॉन्ड्स टूट गए, अब ये काइनेटिक हो जाएगा, ध्यान से सुनो, बॉन्ड्स टूट गए तो बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड नाउ यू आर इन द काइनेटिक जोन, नाउ बिकॉज देर इज सम फोर्स, देर इज सम एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई, इफ देर इज सम फोर्स देर इज सम एक्सेलरेशन, एज यू मेक इट 11 न्यूटन व्हाट हैपेंस, स्टैटिक नहीं रहा, अब कौन सा लगेगा, म्यू के एन लगेगा इसके बाद, म्यू के एन, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में म्यू एस और म्यू के गिवन होता है, बट ये अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे मतलब जनरली अगर आप जेई में सवाल देखोगे तो ऐसे सवाल काफी कम होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको म्यू दे रखा होता है, म्यू इज द सेम थिंग, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू, बहुत बार खाली म्यू दिया होता है, समझ में आ गया, तो ये म्यू के एन क्या होगा, ये हाफ है, तो अगर ये हाफ है तो ये क्या होगा 5 न्यूटन, तो जैसे ही बॉन्ड्स टूटेंगे ये एकदम से, यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा था, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था विच वॉज 10 न्यूटन, और जैसे ही आप 11 करोगे तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन से एकदम से गिर के 5 न्यूटन हो जाएगा, और ये कांस्टेंट लगता है, ध्यान से सुनो, ये कांस्टेंट लगता है, ये एफ है, एफ के हमेशा कांस्टेंट लगता है, तो यहां पे मैं ये नहीं लिखूंगा, ये मैक्सिमम होता है बट ये हमेशा कांस्टेंट लगता है, समझ में आ गया, तो एफ एस ध्यान से सुनो, एफ स्टैटिक इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू म्यू एस एन, ये यहां तक रेंज करता है 0 से म्यू एस एन, 0 से 10 तक लगेगा जब तक स्टैटिक है, जैसे ही बॉन्ड्स टूटे, ओके, इंटरलॉकिंग टूटी, अब ये मूव करना स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन अब ये मूव करना स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, अब फ्रिक्शन लगने लगेगा 5, अब यही चीज विजुलाइज करेंगे, ये जो चीज मैंने बताई है इसको विजुलाइज करो, अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये बढ़ रहा है, एकदम से कम हो गया, डिड यू सी, एकदम से कम हो गया था वो, ये तुम बढ़ाते जा रहे थे, इसी चीज को फील करेंगे यहां पे, ध्यान से देखो, अगर समझ में आ रहा है तो हार्ट्स बना देना एवरीवन, ओके एवरीवन, डोंट फोकस ऑन समथिंग, यहां पे बहुत सारे लोग बच्चे नहीं हैं जो इधर इधर उधर की बातें लिख रहे हैं, डोंट फोकस ऑन दैट अभी, ओके, हम ब्लॉक कर देंगे, डोंट वरी, कोई लिख रहा है ब्लॉक, मनीषा कौन है चलो देख रहे हो, देखो बढ़ रहा है, और ये कम हो गया था अभी, एकदम से स्टैटिक टू डायनेमिक हो गया, जैसे ही मूव करना स्टार्ट होता है, जैसे ही तुम्हारी फ्रिक्शन की वैल्यू ब्रेक हुई तो फ्रिक्शन कम हो गया, और ये कांस्टेंट लगेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, समझ में आ रहा है, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एवरीवन नाउ लेट्स मूव ऑन, अब ये देखो यही चीज यहां पे भी बढ़ा रहे हो, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हो, अब ये कम हो गया एकदम से, अब ये जैसे तुमने 300 किया ये कम हो गया, एवरीवन ठीक है,
डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? अब ये देखो, ये बढ़ता जा रहा है. अब मैं इसको और बढ़ा रहा हूं तो इसका नेट फोर्स बढ़ रहा है. देखो अभी कम होगा, एकदम से कम होगा. ध्यान से देखो इसको, ये टूटा, टूटा फ्रिक्शन, ये थोड़ा सा कम हुआ. अब ये एफ एफ स्टैटिक से एफ काइनेटिक हुआ, अब ये मूव करना स्टार्ट हो रहा है. अब क्योंकि कुछ फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ रही है. समझ में आ रहा है? आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नहीं आ रहा है तो बार बार देखना इस चीज को, बार बार देखना इस चीज को. अब यहां पे ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. यहां पे देखो ये टेंशन, ये फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं मैं यहां पे. एवरीवन प्लीज, ये टेंशन को बढ़ाता जा रहा हूं. तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने टेंशन को बढ़ाया तो ये कम हुआ था. ये ध्यान से देखना, फिर से देखना एवरीवन, 14 सेकंड के बाद ये फिर से चलेगा. ये बार बार देखो, इसको बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है. बढ़ा रहा हूं, कम होगा, कम होगा, कम होगा, एकदम से टूटेगा. टूटा, देखा कम हो गया. अभी अभी कांस्टेंट रहेगा. बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यार यही चीज हम ग्राफिकली समझेंगे. अब हो क्या रहा था, ग्राफिकली समझेंगे कि यार जब ये बंदे ने फ्रिक्शन को बढ़ाता गया, एवरीवन प्लीज सी दिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जब मैं फ्रिक्शन को बढ़ाता गया, ध्यान से देखो, जब मैं इस फोर्स को बढ़ाता गया, ये अल्फा टी है ना, अल्फा टी, अल्फा इज अ कांस्टेंट. तो टी इक्वल्स टू 0 पे फोर्स 0 था, टी इक्वल्स टू 1 पे अल्फा था, फिर 2 अल्फा, फिर 3 अल्फा. फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं. अब देखो फोर्स को मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, है ना. तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है. तो यार यहां पे देखो, इनिशियली फोर्स 0 था, ये स्टैटिक जोन है, तो ये तुमने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ा. एवरीवन प्लीज सी, जैसे तुमने फोर्स को बढ़ाया फ्रिक्शन भी बढ़ा, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू अल्फा टी है ना. ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू अल्फा टी है, तो क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू अल्फा टी है तो एफ का ग्राफ क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एफ का ग्राफ ऐसे होगा ना, अल्फा टी. तो एफ को बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से. फ्रिक्शन भी बोलेगा कि भाई इंटरलॉकिंग है तो तुम एक न्यूटन लगा रहे हो, मैं भी लग जाऊंगा, एक दो लगाओगे दो लग जाएगा. तो यार फ्रिक्शन भी देखो, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, टक 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 टक. यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ गया. ये एफ एस मैक्स था, ये एफ एस मैक्स था. स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज होती है 0 से म्यू एस एन. तो 0 से म्यू एस एन, ध्यान से देखो, ये एफ एस मैक्स तक पहुंचा है ना, ये एफ एस मैक्स तक पहुंचा. यहाँ पे ये एफ एस मैक्स क्या होता है, ये म्यू एस एन, म्यू एस एन, इफ यू सी दिस, दिस इज म्यू एस एन तक पहुंचा. उसके बाद टूट गया, बॉन्ड्स टूट गए, एकदम से कम हो गई उसकी वैल्यू, म्यू के एन हो गई. म्यू के एन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, म्यू के एन. ठीक है, और फिर वो म्यू के एन ही लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा. ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का प्लॉट है, सबको विजुलाइज हो गया. ये हर एक की बुक में होता है, समझ में भी आ गया. यहां पे इसको देख के समझ में आ गया कि यार फ्रिक्शन टूटा तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया ग्राफ. अब आगे देखते हैं. अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, सर ये टाइम कैसे आपने निकाला, ये टाइम कैसे निकाला. अरे यार इस टाइम में क्या है, अब देखो ये वो टाइम है जब, अब देखो एट एनी टाइम टी, अगर एट एनी टाइम टी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच होती है ना, तो ये चीज अल्फा टी बिकम्स इक्वल टू, अल्फा टी बिकम्स इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन. ये जब ये टूटता है, ये एफ एस मैक्स है. एफ एस मैक्स के बराबर कब होगा, किस टाइम पे होगा, जब ये और ये बराबर हो जाएंगे, फिर ये कम हो जाएगा एकदम से, है ना, और ये एक्सेलरेट करने लगेगा, एकदम से एक्सेलरेट करने लगेगा, एकदम से बहुत सारा एक्सेलरेशन आ जाएगा. देख रहे हो, ऐसा नहीं कि जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे ही बॉन्ड्स टूटते हैं अच्छा खासा एक्सेलरेशन आ जाता है, क्योंकि एकदम से कम हो जाता है. देखो एकदम से कम हो जाएगा ये. क्लियर है? तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, अब यहां पे देखो, तो वो कौन सा टाइम होता है जब अल्फा टी इसके बराबर हो जाता है, तो मैं लिखूंगा अल्फा टी इज इक्वल्स टू म्यू एस एन. ये जब इन, ये वाली वो कंडीशन है जब तुम्हारा फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल हो जाता है, तो वो कौन सा टाइम होता है, वो टाइम होता है म्यू एस एन अपॉन अल्फा. ओके, ये टाइम ऐसे आता है. क्लियर? ये वो टाइम है जब ये हो जाता है, तो इसलिए म्यू एस एन अपॉन अल्फा लिखा है. सिंपल है, ये बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था. उसके अलावा अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं बच्चों. एक्सेलरेशन स्टैटिक जोन में तो बिल्कुल बॉन्ड्स है, मतलब वहीं पर है, मतलब मास वहीं का वहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो है. इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट. स्टैटिक स्टेट में ना, इट इज एट रेस्ट. एक्सेलरेशन जीरो 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 जीरो. फिर एकदम से क्या होता है, एकदम से कुछ एक कॉन्स्टेंट फोर्स आ जाता है उस टाइम. देखो अभी देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एकदम से एक कम हो जाएगा. ये बॉन्ड्स टूटेंगे यहाँ पे, टूट गए. देखो एकदम से एक नेट फोर्स आ गया, जीरो से एकदम से भाग गया एक फोर्स पे. और फिर अगर तुम बढ़ाते जा रहे हो उस फोर्स को, तो अगेन नेट, ऑब्वियसली नेट फोर्स तो बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट एफ के कांस्टेंट रहता है. समझ लो मेरी बात. अब एट वन पॉइंट इन टाइम जब ये काइनेटिक हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, काइनेटिक जोन में जब, अब देखो यहां पे ये स्टैटिक जोन था, यहां पे तुमने अल्फा टी लगाया, ये एफ इज इक्वल्स टू अल्फा टी, और यहां पे वो मैक्सिमम फोर्स भी लग गया, दोनों इक्वल हो गए म्यू एस एन. उसके जस्ट बाद क्या होगा, तुम और बढ़ाओगे, उसके जस्ट बाद क्या होगा, उसके जस्ट बाद ध्यान से देखो, उसके जस्ट बाद ये तो तुम्हारा अल्फा टी लग रहा है,
थोड़ा और बढ़ गया, बट अब काइनेटिक हो गया। अब काइनेटिक में म्यू के एन लगेगा, अब ये एज इट इज रहेगा, ये बढ़ता रहेगा विद टाइम, ये अल्फा टी है ना, तो विद टाइम बढ़ता रहेगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एक्सेल फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, बिकॉज फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर भाई भाई, समझो, तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? अब यार ये सबसे सिंपल चीज होती है, इसको ऐसे मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते हैं करने में, 2 मिनट लगते हैं। एवरीवन प्लीज सी दिस, कि यार अगर ये एक मोबाइल है ना, ये एक मोबाइल है, मोबाइल के अलावा कुछ कर सकता हूँ कि बहुत टूटने की उस पर हो रहा है, एवरीवन प्लीज सी। तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे एंगल बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखो, तो एक एंगल पे ये गिरेगा। अब ध्यान से देखना, इसमें भी इंटरलॉकिंग है। अब मैं इसको ऐसे, क्योंकि mg sin थीटा बढ़ता रहेगा ना थीटा के साथ, अब देखो बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, अब ये चलने लगा, बहुत कम एंगल पे चलने लगा, देख रहे हो, समझ रहे हो? फिर से देखो एवरीवन, फिर से देखो, यहाँ पे रखा हुआ है मोबाइल, इसको मैं ऐसे 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 बढ़ा रहा हूँ, देखो चलने लगा, किसी एक एंगल पे चलने लगा, क्योंकि उस टाइम पे म्यू एन, जो एन नॉर्मल लग रहा है, तो म्यू एन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग, और mg sin थीटा बराबर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये चलने लगता है, ठीक है? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक किलर विजुअलाइजेशन देखो यहाँ पे, कि तुमने, अरे यार यहाँ से देखो, हाँ मैंने इसको बढ़ाता गया, तो एक पॉइंट पे ये थीटा ऐसा अटेन कर लेगा कि तुम निकाल लोगे। अब यार ये एक वैसा एक्सपेरिमेंट था जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत पहले यूज किया था म्यू निकालने के लिए। अगर आपको इसका म्यू निकालना था, अगर आपको इस सरफेस का म्यू निकालना था, तो आप इसको थीटा को मेजर करते रहोगे सेक्सटेंट से, मतलब या प्रोट्रैक्टर या जो भी होता है ना एंगल, तुम बढ़ाते रहोगे, फिर तुम देखोगे एक थीटा पे ये चलने लगा, मतलब वहां पे उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन fs मैक्स निकाल लिया तुमने, तुमने बोला कि यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा जो म्यू एन के बराबर होता है म्यू एन, तो तुम बोलोगे यार यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था म्यू एन, ओके, म्यू एन वॉज बिकेम इक्वल टू एम जी साइन थीटा, नाउ यू नो थीटा, यू नो एम जी, है ना, तो तुम निकाल सकते हो म्यू की वैल्यू भी, है ना। अब हम निकालते हैं इसको, ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट सिमुलेट किया है मैंने आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखो मैं थीटा को बढ़ाता जा रहा था, पहले थीटा कम था, 22.5 पे ये नीचे आने लगा, ओके, तब तक क्या था, इंटरलॉक था, देखो इंटरलॉक था, है ना, बढ़ा रहा हूँ, इंटरलॉकिंग अभी भी है, तो देखो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन जैसे ही बराबर हुए ये नीचे आने लगा। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये नीचे आएगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, समझ में आ गया? अगर और बढ़ा दोगे थीटा को तो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। बट यार ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि म्यू एस और म्यू के अगर तुम दोनों ले लोगे तो नहीं होगा वैसा, क्योंकि एकदम से जैसे बॉन्ड्स टूटेंगे तो फ्रिक्शन बहुत एकदम से थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये तो बढ़ावा ही था, तो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एवरीवन, तो अब हम ये थीटा निकालेंगे, अगर एक सरफेस का ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो ऐसे पड़ा है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर थोड़ा और इंक्रीज किया, फिर एक और इंक्रीज किया कि रिपोज पे आ गया, थीटा रिपोज पे आ गया, और फिर हम निकाल लेंगे थीटा रिपोज कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये वो एंगल है, इफ दिस इज एंगल ऑफ रिपोज लेट मी कैलकुलेट दिस एंगल, ठीक है, इसको रटना मत, इसको कभी रटते नहीं है, ध्यान से समझो, इसको कभी नहीं रटते, तो आपको ये अगर थीटा निकालना है, ओके, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो यार ये m है और ये म्यू है, तो यार इस पर क्या क्या फोर्सेज होंगे, अब देखो कुछ तो इंटरलॉक्ड भी होगा ना यहाँ पे, तो फ्रिक्शन क्या है, इसको mg ऐसे नीचे ले जाना चाहता है, फ्रिक्शन ऐसे रोके हुए, ठीक है, फ्रिक्शन रोक रहा है इसको, इस इंटरलॉकिंग ये रोक रहा है, क्योंकि इस पे एक ऐसे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो नीचे ही आता mg sin थीटा से, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ ये जस्ट नीचे आ रहा है तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया होगा अभी तक, तो अब देखो ये mg sin थीटा यहाँ पे लग रहा होगा, है ना, और ये क्या है, ये तो तुम्हारा नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या होता है mg cos थीटा होता है, अब तुम लोग बोलोगे mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये देखो यार mg ऐसे लग रहा था तो ये थीटा होता है ना, तो mg cos थीटा mg sin थीटा ऐसे तोड़ लिया, mg sin थीटा mg cos थीटा, ओके, तो mg को तोड़ लिया, तो ये तीन फोर्सेस तो हैं ही, अब इंटरलॉकिंग की वजह से टेंडेंसी यहां पे आने की है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, ओके, तो ये तो तुम्हें पता है कि n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, तो यार ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर ये जस्ट नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा था अभी, मैक्सिमम फ्रिक्शन, इट रैन आउट, क्योंकि फ्रिक्शन क्या बोलता है, तुम 1 लगाओगे मैं भी 1 लगूंगा, 2 लगाओगे मैं भी 2 लगूंगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू थी यहाँ पे थीटा रिपोज पे जब ये नीचे आने वाला था, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी एफ मैक्स, जो होगी म्यू एन के बराबर, म्यू एन मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, ठीक है,
स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा था यहाँ तक तो। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, म्यू एस और म्यू के में नहीं जाएंगे, खाली म्यू। ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन। तो तुम क्या बोलोगे, दिस हैज जस्ट बिकम इक्वल टू दिस। ठीक है, तुम लिखोगे म्यू एन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, और तुम्हें पता है कि एन क्या है, एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो उसको यहाँ पे रख दो और म्यू की वैल्यू निकाल लो, है ना। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, म्यू निकालना, म्यू निकालना, है ना। तो म्यू निकाल सकते हो तुम यहाँ से, क्योंकि थीटा तो तुम्हें पता है, तुम ही कर रहे हो उसके ऊपर ऊपर। तो आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा क्या, एम जी कैंसिल, म्यू इज इक्वल्स टू टैन थीटा। कितना अच्छा तरीका है म्यू निकालने का, म्यू इज इक्वल्स टू टैन थीटा। अगर एंगल ऑफ रिपोज निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू इनवर्स टैन फंक्शन ऑफ म्यू, टैन इनवर्स म्यू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, 741 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 600 बच्चे हमारे साथ लाइव हैं यहाँ पे। अब एक और चीज समझते हैं बच्चों, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये बहुत सारे एडवांस्ड प्रॉब्लम्स में इसका टर्म यूज होता है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक हम करेंगे भी, नॉट रोटेशन में करेंगे एक प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है उसका, ध्यान से देखो। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे करेंगे, नाउ हाउ विल वी डू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यार एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो भाई अगर ये मास यहाँ पे है, ध्यान से देखो, अगर ये मास यहाँ पे है और तुम खुद एक फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो विच इज इंक्रीजिंग विद टाइम या जो भी है, तो यार उसकी वजह से एक फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि यार यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, क्योंकि इंटरलॉकिंग है तो फ्रिक्शन भी लग जाएगा यहाँ पे। तो नॉर्मल भी लगेगा, एम जी भी लगेगा। तो यार कॉन्टैक्ट की वजह से कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, कॉन्टैक्ट जमीन की वजह से कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन से हैं। एक तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ध्यान से देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स एक तो नॉर्मल होता है और एक फ्रिक्शन होता है सरफेस की वजह से। दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सर्फेस, एक अलॉन्ग द सर्फेस, फ्रिक्शन अलॉन्ग द सर्फेस लगता है। ठीक है, ये क्या होता है फ्रिक्शन, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली म्यू एन, है ना, समझ में आ गया। तो यार अब अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं तो इनका रिजल्टेंट भी तो होगा कुछ, इन दोनों का रिजल्टेंट भी होगा कुछ, वो होगा आर। एन और एफ का रिजल्टेंट क्या होगा, रेक्टेंगल बनाओ, एक रेक्टेंगल बनाओ, तो ये एफ है ये एन है, तो ये हो गया तुम्हारा आर। ओके, तो ये बोला जाता है कि जो इसका रिजल्टेंट होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन का आर, वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ मेक विद एन। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये होता कैसे, अब देखो निकालेंगे कैसे। अब ये भी है कि यार अगर आपको मैं बोलूं कि ये एन है ये एफ है, निकालो फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, निकालते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, निकालते हैं, रुको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब ये तो नॉर्मल है, ये एफ है, तो यार ये भी एफ होगा ना, ये भी एफ है तो ये भी एफ होगा, तो ये भी एफ है, समझ में क्या। ओके, तो ये और टैन अल्फा क्या होता है, ध्यान से देखो, टैन अल्फा क्या होगा, टैन अल्फा इज इक्वल्स टू एफ बाय एन, है ना, या यहां से भी देख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू एफ बाय एन। तो अल्फा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स एफ बाय एन। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है तो म्यू एन लगा दोगे। चलो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपके लिए बना देता हूं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना देता हूं जिसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ब्लैक स्क्रीन पे बनाते हैं एवरीवन, आज काफी ब्लैक स्क्रीन हो रहा है। ओके, तो ये मैंने ये ऐसे कर दिया, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे बनेगी, मैंने ये भी मार्क कर दिया। ओके, अब मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूं कि मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। ओके, और ये है 10 kg। ठीक है, और म्यू इज गिवन एज हाफ। ओके, म्यू इज गिवन एज हाफ। ठीक है, बढ़िया है, अब बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। Now you have to tell me what is angle of friction. Find the angle of friction. निकालो। अब मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो। 10 न्यूटन लग रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिख दो यहाँ पे। F max क्या लग सकता है? F max will be equal to mu mg और mu n, है ना? Mu n होता है ना? तो ये n है। ये आपका 100 है ना? Normal mg। तो n क्या हो गया? N हो गया 100। ठीक है? तो mu और mg भी बराबर है, n इज इक्वल टू mg,
ठीक है, तो म्यू इंटू 100, तो ये कितना हो गया, हाफ एम जी 100 म्यू एन, मतलब बेसिकली म्यू एन होता है ये म्यू एम जी नहीं होता, म्यू एन होता है, इन दिस केस इट इज इक्वल, इसको ऐसे ही लिखते हैं यार, कंफ्यूज मत हो, म्यू एन इज इक्वल टू दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 50 न्यूटन। अब ये मत लगा देना, अब तुम 10 ही लगा रहे हो तो फ्रिक्शन क्यों 50 लगाएगा, कभी देखा है कि फ्रिक्शन की वजह से चीजें मूव कर रही हैं, फ्रिक्शन से चीजें रुकती हैं, ये इंटरलॉकिंग है, फ्रिक्शन खुद से थोड़ी भी लगाएगा फोर्स, तुम 10 लगा रहे हो, फ्रिक्शन बोलेगा ओके मेरे पास भी है 10 मैं दूंगा, ठीक है, फ्रिक्शन की हैसियत है यहां तक, तो फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं 50 लगा सकता हूं बट मैं कितना लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, और नॉर्मल कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, तो भाई नॉर्मल पता है, फ्रिक्शन पता है, तो लगा निकाल लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, अब देखो वेक्टर्स, ये लग रहा है बहुत बड़ा 100, ओके फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये एन है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, उसको ड्रॉ करो ऐसे, फ्रिक्शन लग रहा है खाली दस लग रहा है यार, है ना, दिख नहीं रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लाइट कलर यूज कर लेंगे, है ना, ये 10 लग रहा है फ्रिक्शन, तो बेसिकली इनका रिजल्टेंट रेक्टेंगल बनाओ, डायगनल इज ऑलवेज द रिजल्टेंट, ये आर होगा, ओके रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल विद दिस, ये अल्फा निकालना है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो टैन अल्फा क्या होगा, यहाँ से टैन अल्फा विल बी एफ बाई एन, एफ एफ एन एन, ठीक है, एफ बाई एन, इस एंगल इसमें टैन अल्फा निकाल लो, टैन अल्फा इज दिस अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, टैन अल्फा इज 0.1, अल्फा इज 0.1, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लिया जहाँ पे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लिया, ठीक है, वैसे जनरली इस पे सवाल नहीं आता डायरेक्टली, बट आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन स्टैटिक फ्रिक्शन, अब यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, कैन यू ऑल सी दिस, अब देखो यहाँ पे ये कुछ तो इसकी बॉन्डिंग हो रखी है यहाँ पे, एवरीवन प्लीज सी दिस, कुछ तो इसकी बॉन्डिंग हो रखी है यहाँ पे, मतलब और बॉन्ड्स भी बने हुए हैं कि यार ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो तुमने बहुत फोर्स लगा लिया, इसकी सुई यहां तक पहुंच गई, बट काइनेटिक, जैसे ये बॉन्ड्स टूटेंगे फ्रिक्शन भी कम लगेगा, फ्रिक्शन उतना नहीं लगेगा, तो तुम देख रहे हो जब ये चीज मूव कर रही है, व्हेन दिस थिंग इज मूविंग देन द फोर्स विल बी मच लेसर, देखो अब नेक्स्ट ये मूव करेगा, ये यहां तक गया, काइनेटिक में देखो कमी लग रहा है क्योंकि वो म्यू के एन के बराबर होता है, ओके तो यार एक चीज समझ लो कि म्यू एस बड़ा होता है ना, ये भी चीज है ना, ये कॉमन सेंस की बात है, म्यू S is always greater than mu k, ठीक है, mu s is always greater than mu k, क्योंकि ये ज्यादा लगता है ना, इसमें बॉन्ड्स भी हैं, तो mu s is greater than or equal to कर दो, है ना, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बॉन्ड्स टूटने के बाद कम फ्रिक्शन लग रहा है, बॉन्ड्स टूट गए यार, है ना, बॉन्ड्स हैंड से जो हट गया है, तो अब आराम से थोड़ा आराम से आएगा आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाउ एवरीवन लेट्स डू दिस प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम करने से पहले अब देखो क्या गिवन है इसमें, इसमें ये गिवन है कि यहाँ पे ध्यान से देखो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या गिवन है, दोनों तरफ म्यू है, ओके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, म्यू है, यहाँ पे भी है म्यू, ओके तो यहाँ पे भी घसीट रहा है फ्रिक्शन, ऐसे लग रहा है ना, और यहाँ पे भी ये ट्रेन की तरह जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन अपोज करता है, समझ में आ रहा है, इंटरलॉकिंग है, ये ऐसे जा रहा है कोई भी चीज, अब देखो यार ये इसको देखो तुम, है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना, इंटरलॉकिंग है, दांत है यहाँ पे, है ना, ये रोकना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इस पे ये ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, दांत देख लो, क्लियर, चलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विथ लीस्ट एफर्ट पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब ध्यान से देखो ये M2 है ना, तो यार इस पे फोर्स कैसे लगाओगे तुम, वैसे तो मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता हूं, M2G sin beta है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है, sin beta, रुको इरेजर, sin beta करने दो इसको, हाँ तो ये हो गया sin beta, और क्या फोर्स लग रहा है इस पे, टेंशन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पे, है ना, म्यू एम जी म्यू एन लगेगा यहां पे, ध्यान से देखो यहां पे क्या लगेगा, म्यू एन लगेगा, और इसका एन क्या होगा, इसका एन अगर तुम देखोगे नॉर्मल विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस बीटा, एम जी कॉस बीटा, एम टू जी कॉस बीटा, क्लियर है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया, इस मास को अगर फ्री कर दूंगा तो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं,
एक ये लग रहा है एमजी साइन बीटा, एक एमजी कॉस बीटा, एक नॉर्मल और एक टेंशन और एक फ्रिक्शन, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, है ना। तो तुमने ये सारे ड्रॉ कर दिए और ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो भाई खाली यहाँ के फोर्सेज मार्क कर दो एवरीवन। और यार क्या मैं इसको डायरेक्टली इस फ्रिक्शन को, जो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एन टू लिख दो चलो, है ना, ये एम टू है तो एन टू, म्यू एन टू, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू एम टू जी कॉस बीटा, ठीक है। तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ एवरीवन। तो इस पर भी मैं सारी फोर्सेज मार्क करूंगा, बट पहले इसका इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इस पर क्या क्या लिखूंगा मैं, इसका इक्वेशन प्लीज सी। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लिया है, तो मैं लिखूंगा एम टू जी साइन बीटा माइनस टी, सॉरी माइनस, ये पहले लिख देते हैं, माइनस म्यू एम टू जी कॉस बीटा माइनस टी, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया माइनस टी, इज इक्वल्स टू एम टू ए, इज इक्वल्स टू एम टू ए। चलो बहुत बहुत ही प्यार से हमने ये लिख दिया। अब इस पर भी मार्क करते हैं, है ना। अब इस पर भी यार, ये तो टेंशन हो गई, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन यहाँ पे मार्क कर दी। और इस पे एक एक फोर्स ऐसे लगेगा क्योंकि अल्फा है। वैसे मैं पता है कैसे करता इस प्रॉब्लम को, मैं डायरेक्टली इस पे ऐसे मार्क करता एम वन जी साइन अल्फा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी लगाता है यहाँ पे, मैं लगाता म्यू एम वन जी कॉस अल्फा, क्योंकि म्यू एन एन मुझे पता है ना, एम जी कॉस थीटा होता है, तो एम जी कॉस अल्फा लगा दूंगा यहाँ पे मैं। ये दो फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे, ये दो फोर्स लगाऊंगा, टेंशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं फिर सिस्टम ले लूंगा, इस पूरी चीज को सीधा कर दूंगा मैं, और फिर देखूंगा कि ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, है ना। और फिर अगेन दैट्स इट, इज इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, उससे डायरेक्टली आ जाता है, उसको करना खुद से करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मतलब हाउ आई वुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज कि मैं इसको ऐसे ऐसे देखता, ठीक है, इसको सीधा कर देता पूरी ट्रेन को, तो ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, ये भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो मैं इस पे एम जी साइन बीटा, इस पे ऐसे लगाता है एम जी, और इस पे फ्रिक्शन, अब क्योंकि ऐसे जा रहा है तो इस पे भी फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इस पे भी फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, म्यू एम जी कॉस बीटा इससे भी आ जाएगा, एक से एक लाइन में आ जाएगा इससे, है ना, इससे करके देखना तुम लोग। चलो अब इसको मिटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, चलो मिटा दिया। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं यार थोड़ा प्यार से, तो ये क्या होगा एम वन जी साइन अल्फा और नॉर्मल एन वन, ओके। अब देखो ये चीज ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन तो ऐसे लगेगा ना, क्योंकि ये घसीटता हुआ जाएगा ऊपर, घसीटता हुआ जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना, फ्रिक्शन अपोज करता है, तो ये क्या होगा म्यू एन वन, म्यू एन वन, तो ये सारे फोर्सेस हैं इस पे, फ्रिक्शन लगा दिया, ये लगा दिया, और हाँ एक एम ये वाला भी लगाओगे, एम जी को ब्रेक किया ना ये और ये, तो ये क्या होगा एम वन जी कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देखो, इसका इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां पे, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, टी नेट अपवर्ड फोर्स अप द इंक्लाइन, तो क्या होगा ये टी माइनस दिस माइनस दिस, टी माइनस एम वन जी साइन अल्फा माइनस म्यू एन वन। अब N1 को डायरेक्टली लिख दो यार, दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे फालतू में, क्योंकि आपको पता है N1 क्या है, N1 इसके बराबर है, ठीक है। तो म्यू एम वन जी कॉस अल्फा यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली, है ना, वैसे तो ये सब करना ही नहीं था, अगर आप डायरेक्टली लिख देते म्यू एम वन जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम टू सॉरी एम वन ए, ठीक है। अब बस ऐड करना है, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। ये बुकिश तरीका है इसको करने का, ये बुकिश तरीका है इसको करने का। अब क्या है, टेंशन कैंसिल हो जाएगी और आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो आपको ए ही तो निकालना था, यू हैव टू फाइंड ए। तो नाउ ऐड एवरीवन, नाउ व्हेन यू ऐड दिस एवरीवन प्लीज सी, व्हेन यू ऐड दिस तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और यहाँ पे ये टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ओके M2 अलग से लिया है और M1 अलग से लिया है ना, तो चलो M2 ले लेते हैं पहले, है ना। तो अगर आप M2 कॉमन लेते हो, everyone please see this, और G तो आ रहा है, सब में आ रहा है, जी 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 जी, तो G को बाहर ले लो पहले ही, है ना, G को बाहर ले लिया, सारे टर्म्स में T कैंसिल हो रहा है और G तो हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा M2 इंटू जी साइन बीटा, जी साइन बीटा और कौन सा है माइनस म्यू कॉस बीटा, ओके। फिर आएगा प्लस,
सॉरी प्लस नहीं माइनस ले लेता हूँ माइनस एम वन, क्योंकि एम वन के दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो माइनस एम वन, और फिर क्या होगा, जी तो ले लिया अपन ने, साइन अल्फा माइनस सॉरी प्लस म्यू कॉस अल्फा, क्योंकि दोनों में माइनस है. ओके तो यार ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्या यही आ रहा है सबका, यही आ जाएगा व्हेन यू सॉल्व दिस, व्हेन यू ऐड इट ये आ जाएगा, क्लियर. ओके आगे बढ़े, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर प्रॉब्लम्स. अब ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है आपके सामने. अब ये देखो, ये 15 केजी का ब्लॉक है और यहां पे एक स्ट्रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग, ठीक है. तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है 45, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है 45 45. तो अब आपको निकालना है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा इफ इट इज जस्ट रेस्टिंग. जस्ट रेस्टिंग का मतलब क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, पूरा फ्रिक्शन लग रहा है जो लग सकता है, ठीक है. अब ये नीचे जाना चाहता है, ध्यान से देखो, ये नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, क्योंकि यार ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कभी खुद से पुल नहीं करेगी ऊपर की तरफ, है ना. खुद से अगर तुम फोर्स लगा रहे होते तो हो सकता था कि ऊपर जा रहा है, तो यार ये नीचे जाने की टेंडेंसी रख रहा है तो फ्रिक्शन भी यहीं लग रहा होगा. बट देख लेते हैं, लेट्स बी 100% श्योर. यहाँ पे ये गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये गिवन है कि यार इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, 50 न्यूटन है. तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन है 50 न्यूटन, तो बेसिकली 50 न्यूटन ऐसे लग रहा है, क्लियर है, ऐसे लग रहा है 50 न्यूटन. ओके स्ट्रिंग इज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है. अब 15 केजी पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, 150 न्यूटन नीचे, तो 150 कॉस 40 साइन थीटा लगता है ना, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, तो यार लगा दो यार यहाँ पे, तो ये क्या होगा 150 बाय रूट 2 कॉस साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, और यहाँ पे क्या लगेगा 150 बाय रूट 2, है ना. तो ये क्या है, ये वही तो है एम जी साइन 45 डिग्रीज, ये वही चीज़ है, है ना. और ये क्या है, ये है एम जी कॉस 45 डिग्रीज, ये वो चीज़ है ना. और एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, ये नॉर्मल भी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा यार, है ना. बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ध्यान से देखो, ये फोर्स यहाँ लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है 50, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है. तो यार ये भी देखो, तो ये भी देखो, तो ये 45 है तो ये 45 होगा, ध्यान से देख रहे हो, ये 45 डिग्रीज है तो ये भी 45 डिग्रीज होगा, है ना. तो ये 50 cos 45 होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, 50 बाय रूट 2. तो इफ़ यू सी दिस 50 न्यूटन, एवरीवन होल्ड ऑन एंड सी, तो ये 50 न्यूटन को मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50 cos 45, है ना. और यहाँ पे भी लगेगा सेम 50 बाय रूट 2, मैंने इसको तोड़ लिया ऐसे और ऐसे, ठीक है. अब थोड़ी क्लैरिटी बनी, है ना, तो मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया, तो एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, और टेंशन को भी मैंने ऐसे तोड़ दिया 50 बाय रूट 2 50 बाय रूट 2. तो सारे फोर्सेस को गोले में लगा दो, ये एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स लग रहा है, ओके ये सारे फोर्सेज हैं, दिस. अब दूसरी चीज़ क्या है, अब क्या करना है, अब मुझे फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन पूरा लिमिटिंग लग रहा है, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम, वो क्या होगा म्यू एन के बराबर होगा. म्यू क्या गिवन है, म्यू तो निकालना है, है ना, म्यू तो निकालना है. तो अब यार एक चीज़ बताओ बच्चों, कि इसकी टेंडेंसी वैसे भी दिख गई ना, अब देखो टेंशन यहाँ पे लग रही है 50 बाय रूट 2, यहाँ पे लग रही है 150 बाय रूट 2, तो ये यहाँ जाना चाहिए, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा ना, इसको रोक रहा होगा फ्रिक्शन, है ना. तो फ्रिक्शन को मार्क करो, अब आई तुम्हें असली हिम्मत फ्रिक्शन को मार्क करने की, अब तुम्हें दिख गया कि यार 100% यही लग रहा होगा, है ना. वैसे दिखने की क्या बात थी, वो तो कॉमन सेंस भी था. तो फ्रिक्शन को तुमने लगा दिया यहाँ पे, तो ये रहा तुम्हारा एफ लिमिटिंग. अब बैलेंस कर डालो यार, है ना. तो ये नॉर्मल, अब एवरीवन फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन. नाउ डोंट रश, यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा लगाने वाले बेवकूफ होते हैं, क्योंकि यार नॉर्मल यहाँ पे देखो, नेट ये वाला फोर्स यहाँ पे तो इधर उधर मूव नहीं कर रहा ना ब्लॉक, तो बैलेंस द फोर्सेज हियर, बैलेंस द फोर्सेज हियर, दैट्स इट. पहले सारे फोर्सेज मार्क कर दिए, अब बैलेंस यहाँ पे नहीं जा रहा ना इधर उधर, यहाँ भी नहीं जा रहा इधर उधर, तो बस बैलेंस करना है. तो बैलेंस द फोर्सेज, नॉर्मल वाले फोर्सेज बैलेंस करते हैं, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू 150 बाय रूट 2 प्लस 50 बाय रूट 2, क्या हो जाएगा 200 बाय रूट 2, ठीक है, नॉर्मल आ गया 200 बाय रूट 2. ओके अब यहाँ के फोर्सेस बैलेंस कर दो, है ना. नाउ बैलेंस द फोर्सेस अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा 150
by root 2 is equals to 50 by root 2 plus mu into n. Mu into n, n पता है तुम्हें, बस आ गया यार सब कुछ, mu की वैल्यू आ जाएगी. अब ये चीज यहां पे डाल दो, है ना. तो ये देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, 100 100 by root 2, तुमने इसको माइनस कर दिया, is equals to mu into 200 by root 2, खत्म 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 खत्म. तो mu क्या आ गया, half. Clear? I hope everyone can understand this. Mu आ गया half. Mu आ गया half. D option. Clear है? आगे बढ़ते हैं. Now let's move on. Everyone. अब ये problem करते हैं. Everyone. अब देखो यहाँ पे. यहाँ पे क्या है कि अगर friction नहीं होता यहाँ पे, तो ये पूरी चीज नीचे चली जाती, है ना? ये M2 है. ये M2 है. ये M1 है. ये M2 है, ये M1 है. अब आपको निकालना है, what is the minimum value of mass M1, है ना? आपको निकालना है, what is M1 की minimum value. तो यार कोई problem की बात नहीं है, rest पे है ना सब कुछ. This is, everything is at rest. ठीक है, कोई tension की बात नहीं है. तो सब कुछ rest पे है. And just about to move है. मतलब, जैसे मैं M2 को increase करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं M1 की max, हाँ, M1 की minimum value निकालनी है. है ना, तो अब ध्यान से देखो, अब हर चीज अगर रेस्ट पे है, अगर हर चीज रेस्ट पे है, तो यार यहां पे टेंशन में स्ट्रिंग क्या होगी, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, उल्टा बोल रहा हूं मैं आज हर कुछ. सो दिस इज m2g, दिस इज टेंशन, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो टेंशन m2g के बराबर है. लिख दो यहां पे, टेंशन इज इक्वल्स टू m2g. तो यार यहां पे भी तो टेंशन लगेगी, इक्वल्स टू m2g. अब इस ब्लॉक पे इसको रोक कौन रहा है, म्यू mg लग जाएगा ना पीछे. अब देखो यहां पे नॉर्मल इज दिस, दिस इज m1g. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये मिनिमम है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल इज इक्वल्स टू m1g. अब तुमने यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दिया, है ना, f max लगा दिया, व्हिच विल बी म्यू m1 के बराबर. ठीक है, कि मास उतना ही है कि जस्ट नॉर्मल, क्योंकि जितना मास होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा. तो यार मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो भाई मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाऊंगा ना उसके लिए, कि यार इतना सबसे हल्का रखा तो भी रुक गया, अगर बहुत भारी होता तो डेफिनेटली रुकता ना. आई अंडरस्टैंडिंग, इफ इट वॉज वेरी हैवी डेफिनेटली रुकता, मैंने सबसे छोटा रखा इसीलिए मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाया, कम में कम फ्रिक्शन लगेगा, समझ में आ गया. उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एम वन जी, है ना, म्यू एन होता है यार, ये रुको यार, म्यू एन के बराबर होता है, और एन है एम वन जी. तो अब यहां पे तुम इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, तुम क्या लिखोगे, म्यू एन इज इक्वल्स टू एम टू जी, विच इज द टेंशन. तो यहां पे आ जाएगा म्यू एम वन जी इज इक्वल्स टू एम टू जी, खत्म खत्म, एम वन इज इक्वल्स टू एम टू बाय म्यू, ये मिनिमम वैल्यू होगी, दैट्स इट, है ना. अब मैं इतना टाइम नहीं लगाता इसमें, मैं इतना टाइम लगाता ही नहीं. मैं क्या करता देखो ध्यान से, मैं कुछ ऐसा करता, एवरीवन प्लीज सी, मैं ऐसा करता कि यार ये है यहां पे M2 है, ठीक है, तो यार इसमें टेंशन कितनी होगी, M2G के बराबर होगी टेंशन, ठीक है, तो यहां पे क्या है, म्यू है, ये M1 है, है ना, टेंशन कितनी लग रही है, यहां पे M2G लग रहा है, मैं देखता यहाँ पे फोर्स m2g है, यहाँ पे म्यू mg, क्योंकि n is mg, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगाता मैक्सिमम वो लगा देता म्यू m1g, इन दोनों को इक्वेट कर देता, बस दैट्स इट, है ना, समझ में आ रहा है. तो मैं लिखता म्यू m1g इज इक्वल्स टू m2g. अब फ्रिक्शन इज म्यू n, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, ध्यान से समझो, ठीक है. तो मैं मैक्सिमम वैल्यू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर ये m1 सबसे छोटा है, अगर ये m1 सबसे छोटा है तो अगेन उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाऊंगा मैं, समझो, क्योंकि वो जस्ट जाने वाला है, थोड़ा और लगाते तुम M2 थोड़ा और होता तो ये नीचे चल जाता, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन सेंस की बात है, हर एक में ना ये मैक्सिमम वाला ही केस लगता है, अगर आप देखोगे पैटर्न यही रहता है हमेशा. ओके, नाउ लेट्स डू सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, और जनरली ऐसे हालात में हम फंस जाते हैं जब हम करने लगते हैं प्रॉब्लम्स, खुद से तो होते नहीं है, तो अब वैसे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें हम ऐसे मात खाते हैं, ठीक है. सो एवरीवन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम. ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है. अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम विच इज 10 kg, ध्यान से देखो ये 10 kg है, ओके. और तुम्हें बताना है,
और यहाँ पे म्यू क्या दे रखा है, म्यू इज 1.4 म्यू इज 0.4 ओके, जमीन पे पड़ा हुआ है ऐसे म्यू 0.4। तो यार अगर ये 20 है ये 15 है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 25 होगा। क्यों, 3, 4, 5 का ट्राइंगल दिखा नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये क्या है 3 × 5, ये क्या है 4 × 5, 5x जूम कर दिया 3, 4, 5 के ट्राइंगल को। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ध्यान से देखो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये होगा 25, ये होगा 25। इसको बड़ा बना देता हूँ, इन दोनों का बाप है ना ये, इन दोनों से आता है ये 25 न्यूटन, ओके 25 न्यूटन, क्योंकि ये होगा 5 × 5, 5 × 5, 5, 5, 5, 3, 4, 5 दिख गया। तो इसका रिजल्टेंट ये है। या यार ऐसे भी अगर तुम ज़्यादा टाइम था तुम्हारे पास तो ऐसे कर लेते, 15² + 20² ये आ जाता तुम्हारा 25, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, बट क्यों करना फालतू में। तो ये 25 आ गया, तो यार अब आपको ये भी दिख गया होगा कि ये 15 है तो ये भी 15 होगा, है ना। तो ये छोटा छोटा एंगल होगा, ये 37 डिग्री कर देते हैं इसको, ये 37 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है 3, 4, 5, तो ये 37 डिग्री है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अब अगर रिजल्टेंट फोर्स तुमने दो ऐसे लगा दिया बट इनका रिजल्टेंट यहाँ पे, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो इसके ऑपोजिट लगेगा, तुम ऐसे ले जा रहे हो रिजल्टेंट, तुम ऐसे ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा बच्चों ऐसे, फ्रिक्शन को पर्पल से ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्रिक्शन एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट लग जाएगा, फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, एफ ऐसे लग गया फ्रिक्शन। अब उसकी वैल्यू निकालो फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, है ना, ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू एन के बराबर, एन क्या होगा एम जी के बराबर, है ना, विच विल बी म्यू एम जी, मतलब 100, इसके अंदर एम जी लग रहा है एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है, सो दैट विल बी 0.4 × 10, ठीक है, तो कितना लग रहा है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन इज द मैक्सिमम, सॉरी हाँ 40 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब फ्रिक्शन लग सकता है फ्रॉम 0 to 40, बट कितना लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 25 ही लग रहा है, फ्रिक्शन 25 ही लग रहा है क्योंकि इसको रेस्ट पे रख रहा है ये, ठीक है, इट डज नॉट मूव, लिख रहा है ना इट डज नॉट मूव, क्योंकि फ्रिक्शन 40 लग सकता है, तो एफ इज गोइंग टू रेंज फ्रॉम 0 to 40, स्वाद अनुसार लगेगा, जितना तुम लगाओगे उतना ही लगेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है 25, बट क्वेश्चन क्या है वेयर इज द फ्रिक्शन एक्टिंग, ये नहीं पूछा कि कितना है, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है। अब क्या है ये, अब देखो इट इसका एंगल बताना है इन दोनों फोर्सेस, ये 20 न्यूटन और 15 न्यूटन ये इंडिविजुअल फोर्सेस थे, तो अगर आप देखोगे बच्चों तो ये टोटल कितना एंगल होगा, ये 37 है तो ये 143 डिग्री होगा, 180 होगा नहीं है, तो 143 + 37 तो इट इज 25 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 143 डिग्रीज विद द 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इट इज नॉट मेकिंग 143 डिग्रीज विद दिस, आप देखोगे तो ये कुछ और होगा, 90 + 53 होगा, है ना, तो इट इज डी ऑप्शन, 143 डिग्रीज विद द 20 न्यूटन फोर्स, 143 डिग्रीज विद द 20 न्यूटन फोर्स। चलो अब ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसमें क्या है कि मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे पुल कर रहा हूँ, सो बच्चों दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू ट्राई फॉर टुमारो, इनको हम बहुत ही अमेजिंग तरीकों से करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब समीर सर की क्लास है, उसके बाद पारस सर की क्लास है, तो आज टीचर ऑफ टीचर्स पहले आएंगे, ओके, बिकॉज पारस सर जस्ट अभी फ्लाइट से उतरे हुए हैं एंड अगेन वो आपके लिए एक बहुत अमेजिंग स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा क्लास ले पाओ। सो अगेन एज टीचर्स वी ऑलवेज इंश्योर दैट द कॉन्टेंट इज इवॉल्विंग, दैट यू लर्न द बेस्ट दैट इज पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट जेई विच इज कमिंग, जेई 2020 एंड जेई 2021। सो बच्चों ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम, इसमें यह है कि ये बंदा इस पर खड़ा हुआ है, इसको ऐसे खींच रहा है फोर्स से, कितने से खींच सकता है मैक्सिमम कि ये जस्ट ये डज नॉट स्लिप, मतलब मैंने हल्का सा किया तो ये नहीं स्लिप किया, तो मुझे बस इतना बताना कि ऐसा कितना फोर्स लगाऊं कि जस्ट स्लिप होने वाला हो, मतलब जस्ट स्लिप हो ही जाए, है ना, तो आपको वो निकालना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाए यहाँ पे, एंड ट्राई टू डू दिस। देर आर टू वेरी गुड वेज ऑफ डूइंग इट, वन इज व्हेन यू टेक दिस एंटायर, मतलब अगेन समथिंग एज अ सिस्टम, एंड द डिफिकल्ट वेज, और मतलब दैट इज नॉट डिफिकल्ट बट आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो, इसको प्लीज सॉल्व करना कल के लिए। और एक और बहुत अच्छा शानदार प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो ये है, वो ये है कि अगर ये स्प्रिंग है और ये प्लैंक है, तो यार आई कैन कीप दिस मास एट अ पॉइंट, मतलब अगर ये फ्रिक्शनलेस होता तो एक ही पॉइंट पे रहता, हल्का सा भी इधर करता तो वापस आता, यहाँ करता तो वापस आता, बट फ्रिक्शन है तो हो सकता है कि आई कैन कीप द स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस्ड, थोड़ा सा इलॉन्गेटेड, तो आई वांट टू फाइंड दैट रेंज वेयर आई कैन कीप द स्प्रिंग हल्का सा कंप्रेस्ड, स्टिल इट इज देयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इट इज इंटरलॉक्ड, राइट, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड वेयर आई कैन कीप दिस ब्लॉक, तो मुझे वो रेंज ढूंढनी है वेयर आई कैन कीप दिस मास विदाउट दिस मास मूविंग, समझ में आ रहा है,
विजुलाइज इट कि यार एक मास है उसको मैंने एक्चुअली मैं ऐसे पकड़ के यहाँ पे रख दिया तभी भी बैठा हुआ है, यहाँ पे रखा तो भी बैठा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है स्प्रिंग फोर्स की भी और फ्रिक्शन की भी। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम और अगर आपने ये कर दिया, कल करेंगे इसको, अगर आप खुद से कर देते हो तो अगेन यू आर ऑसम। प्लीज नोट्स में इसका सोल्यूशन मत देखना, ऑनेस्टली इसमें सोल्यूशन दे रखा है बट मत देखना, खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बच्चों, दिस इज द शेड्यूल 11th। अभी दो और क्लासेस करेंगे हम फ्रिक्शन की और बहुत अमेजिंग कर लेंगे फ्रिक्शन को। कल एक और क्लास है सेम टाइम पे, सो बी देयर और आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये फर्स्ट लेक्चर। और ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए आप प्लीज इसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर करना, क्योंकि दिस विल रियली हेल्प द जनरेशन गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। दिस वॉज नमो कॉल एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू फ्रिक्शन। इफ आई डिड जस्टिस टू फ्रिक्शन तो आप प्लीज कॉमेंट्स में लिखना एंड दैट विल रियली मीन द वर्ल्ड टू अस। बच्चों तहस नहस कर दो इसको, ओके okay? इस वाले बटन पे जितना फ्रिक्शन लगा सकते हो लगा दो, बट ये दब जाना चाहिए एंड अगेन ये घंटा बज जाना चाहिए, ओके। दिस इज फॉर यू टू नोटिफाई, ये नोटिफाई करेगा आपको कि क्लास है और पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों, समीर सर इज जस्ट कमिंग इन, बाय।